स्वाति मालीवाल जी को इस पूरे षड्यंत्र का चेहरा बनाया गया होगा। ये भारतीय जनता पार्टी का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है कि वो अलग अलग पार्टी के नेताओं पर, विपक्ष की पार्टियों के नेताओं पर केस करते हैं और उन पर दबाव बनाते हैं। आम आदमी पार्टी की अपनी ही सांसद स्वाति मालीवाल के आरोपों से पार्टी की खूब फजीहत हो रही है। दिल्ली में चुनाव से चंद दिन पहले स्वाति मालीवाल ने जिस तरह से खुद के साथ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास में मारपीट किए जाने का आरोप लगाया, उससे विवाद उठ खड़ा हुआ है। उन्होंने सीएम केजरीवाल के पीए रहे विभव कुमार पर कथित बदसलूकी और मारपीट का आरोप लगाया था, जिसके बाद उनकी शिकायत के आधार पर विभव कुमार को अलग अलग धाराओं के तहत आरोपी बनाकर गिरफ्तार कर लिया गया। आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी का आरोप है कि इसके पीछे कथित तौर से बीजेपी का हाथ हो सकता है, यानी स्वाति मालीवाल ने जो कुछ आरोप लगाए हैं वो आतिशी के मुताबिक बीजेपी के इशारे पर हो सकते हैं। देखिए, ये पूरा स्वाति मालीवाल जी वाला किस्सा एक षड्यंत्र है जो भारतीय जनता पार्टी ने रचा है। स्वाति मालीवाल जी का जो एसीबी में केस चल रहा है उसको इस्तेमाल करके स्वाति मालीवाल जी को इस पूरे षड्यंत्र का चेहरा बनाया गया होगा। उनका इल्लीगल रिक्रूटमेंट वाला केस, उसमें चार्जशीट भी हो गई है, अब वो कन्विक्शन के पास पहुंच रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है कि वो अलग अलग पार्टी के नेताओं पर, विपक्ष की पार्टियों के नेताओं पर केस करते हैं और उन पर दबाव बनाते हैं। तो इसलिए ये बिल्कुल साफ है, ये भारतीय जनता पार्टी की साजिश है। ये साजिश है, ये इस बात से भी पता चलता है कि ये वही दिल्ली पुलिस है जिसने ब्रजभूषण सरन पर एफआईआर नहीं फाइल किया। महिला रेसलर सड़कों पर बैठी रही, लेकिन जब तक कोर्ट का इंटरवेंशन नहीं हुआ तब तक एफआईआर नहीं फाइल हुआ। इसी मामले में विभव कुमार जी ने जो कंप्लेंट दी कि किस तरह से स्वाति मालीवाल जी ने ट्रेसपास किया, सीएम हाउस की सिक्योरिटी ब्रीच करी, सिक्योरिटी ऑफिसर्स के साथ धक्कम धुक्की करी, उस पर अभी तक कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। तो दिल्ली पुलिस भी भारतीय जनता पार्टी जो उनके आका हैं उनके इशारे पे काम कर रही है। अब जबकि स्वाति मालीवाल पर आम आदमी पार्टी को शको शुभा हो चुका है कि वो बीजेपी से मिली हो सकती हैं और उसी के कहने पर उन्होंने ऐसा किया होगा, तो अब इस बात की संभावनाएं बढ़ती दिख रही हैं कि उन्हें जल्दी ही पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। हालांकि अभी पार्टी की ओर से इस संबंध में कोई औपचारिक जानकारी साझा नहीं की गई है, लेकिन अगर ऐसा किया जाता है तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा। लेकिन ऐसा होने पर स्वाति मालीवाल के पास क्या विकल्प बचेंगे? क्या वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएंगी? ये सवाल भी लगातार गूंज रहे हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें NBT ऑनलाइन के साथ।